गुड इवनिंग। आज हम लोग विंडोज 10 को कैसे डाउनग्रेड करना है। अगर हमारे पीसी में हम लोग विंडोज 11 यूज कर रहे हैं और वो थोड़ा सपोर्ट थोड़े टाइम सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसको डाउनलोड करके विंडोज 10 में कैसे कन्वर्ट करना वो देखेंगे। तो ब्राउजर ओपन करके विंडोज 10 डाउनलोड टाइप करिए और एंटर करिए। करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं विंडोज 10 डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज ISO फाइल का आ गया। माइक्रोसॉफ्ट का है, HTTPS है यहाँ पर, तो वो क्लिक करिए। डाउनलोड विंडोज 10 का हो रहा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट नाउ है, डाउनलोड टूल नाउ है, तो डाउनलोड टूल नाउ को क्लिक करिए। यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो रही। देखिए यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल अपीयर हो गई, तो डेस्कटॉप में आइकॉन आ गया, मीडिया क्रिएशन टूल का आइकॉन आ गया, तो उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। मैं ये वीडियो बनाने से पहले ही और एक वीडियो बनाई, विंडोज 10 को वर्चुअल मशीन में कैसे रन करना, कैसा डाउनलोड करना वो भी करी। यानी कि हम लोग दो विंडोज को हम लोग अगर यूज करना चाहते हैं, जैसे कि विंडोज 10 और विंडोज 11 को, वर्चुअल मशीन में आप लोग विंडोज 10 यूज कर सकते हैं और ओरिजिनल मशीन में आप लोग विंडोज 11 का भी यूज कर सकते। तो दो दो विंडोज का भी आप लोग ऐसा यूज कर सकते। तो अभी मैं मीडिया क्रिएशन को डबल क्लिक करी और गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। थोड़ा टाइम लगेगा पर जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर व्हाट डू यू वांट टू डू, अपग्रेड दिस पीसी नाउ, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, और मैं अपग्रेड से जाऊंगी, अपग्रेड दिस पीसी नाउ और नेक्स्ट, गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। यहाँ पर इंस्टॉलिंग विंडोज 10 का आ गया और योर पीसी विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स, दिस माइट टेक ए व्हाइल, 1% completed. So total 100% complete होना है। तो installing Windows 10, your PC will restart several times. थोड़ा टाइम लगेगी पर हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते रिस्टार्ट करने के बाद, मैं ये फोन से ले रही इसलिए उतना क्लैरिटी से नहीं आया। तो फोन से मैं रिस्टार्ट होने के बाद मैं वो कैप्चर कर रही, तो रिस्टार्टिंग।
तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगी। Installing Windows 0%. Don't turn off your PC. This will take a while. Your PC will restart several times. तो ये restart होगी बीच बीच में, एक दो तीन time restart होगी PC। अगर आप लोग भी downgrade करना चाहते Windows 11 से 10 या उससे भी ज़्यादा आने चाहिए, तो आप लोग भी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेटअप फॉर पर्सनल यूज विल हेल्प आया। मैं नेक्स्ट चले गए और लेट्स ऐड योर अकाउंट। तो यहाँ पर ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक करिए और लिमिटेड एक्सपीरियंस पे क्लिक करिए। लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर पासवर्ड देना होगा हम लोगों को, पासवर्ड कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना होगा, अनमेमोरेबल पासवर्ड, क्रिएट ए सुपर मेमोरेबल पासवर्ड। कंफर्म योर पासवर्ड, टाइप योर पासवर्ड वन लास्ट टाइम। और यहाँ पर 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करिए और आंसर भी दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी तो हम लोगों को बहुत यूजफुल है, जैसे कि अगर कोई विंडोज में इश्यूज हो तो वो यूजफुल रहेगा। चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, ऑल विजिबल में है, एक्सेप्ट करिए। लेस कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस है, पूरा टिक करिए, टिक करके एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर स्टार्ट हो गई तो एक्सेप्ट करना होगा। हाय, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू।
सो ये रीस्टार्ट होने के बाद आप लोगों को आपका विंडोज 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरा तो दिस माई टेक सेवरल मिनट्स, तो अभी हो गई, मेरा तो लगभग पूरा कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीट होने के बाद, रीस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद विंडोज 10 अपीयर हो जाएगी मुझे। तो आप लोग भी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली आपको ऐसा विंडोज 10 अपीयर हो जाएगी। तो अभी हम लोगों का डाउनग्रेडिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गई, विंडोज 10 में कन्वर्ट हो गई टोटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो होप अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।